हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाखड़। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। आइए स्टार्ट करते हैं। सो दी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मींस सेकंड और थर्ड टर्म का आपको दिया गया है 14 और 18। अब आपको टर्म निकालनी है 51 का टर्म का सम बताना है। ओके, सो देखिए कैसे बताएंगे वो। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। हमारे पास ए टू गिवन है 14 और ए थ्री गिवन है 18। मीन सेकेंड और थर्ड टर्म 18 और 14 हमें गिवन है, तो हम इसको कैसे ओपन करके लिखेंगे। ए प्लस में 1d लिख देंगे इसको, इक्वल टू में 14। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ए प्लस में 3m1 माइनस कर देंगे, 2d हो जाएगा, इक्वल टू में 80 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। ओके, अब इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मींस ए प्लस में 1d इक्वल टू में 2d इक्वल टू में 18 और a प्लस में 1d इक्वल टू में 14। ओके, अभी हमें क्या करनी है, माइनस करनी है, तो यहाँ प्लस की इधर माइनस की माइनस कर देगा, माइनस कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1d, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा 4d, 4 ओनली। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 को आप लिख भी सकते हो नहीं भी, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 4। ओके, अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस में d। ओके, a प्लस में d कर देंगे, अब a की वैल्यू तो हमारे पास रहेंगे और इक्वल टू में क्या कर देंगे 14, फर्स्ट टर्म ले लेंगे जिससे कि हमारे a की टर्म निकल जाए 14। तो a हमारे पास नहीं है, d हमारे पास 4 है, इक्वल टू में 14 है, तो a को हम इधर ही रहने देंगे, 14 है, इधर जाके प्लस का 4, इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस करके आ जाएगी a की 10 टर्म। तो हमारे पास a की भी आ गई और d की भी आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये सब सॉल्व करेंगे कैसे, अब हम इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस एक फॉर्मूले से सारा सम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब हम लगाएंगे Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 d। ओके, ये हो गया। तो अब देखिए Sn पर एज इट इज रहेगा, n की वैल्यू क्या है 51, क्योंकि हमें 51 टर्म फाइंड करनी है, और 2 अपॉन में 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, a क्या है हमारा, a तो a ही है, a हमारे पास 14 दिया, अगर 14 लिखेंगे तो देखिए a हमारे पास 10 दिया गया है, प्लस में n क्या है 51 माइनस 1 d, हमको क्या दिया गया है 4 ब्रैकेट क्लोज, अब ये 51 एज इट इज रहेगा, अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 टेंस आर 20 प्लस में इसको माइनस करेंगे 1 तो 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज, 51 अपॉन में 2 इसको ऐड करेंगे, देखिए इनको क्या करेंगे 200 में 20 ऐड करेंगे, 220 हो जाएगा। ओके, तो मींस ये मल्टीप्लाई में आप इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, ये किस में है मल्टीप्लाई में, तो 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 का 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 51 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, 1 1 0 मल्टीप्लाई बाई 51 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई में 5 0 0 5 1 5 5 1 5 तो 0 का 0 1 6 5 का 5, तो ऐड करके ये आएगा हमारे पास, तो लिख देंगे हम 5 6 1 0, दिस इज आंसर। ओके, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, सिर्फ हमें ये फाइंड करना था उनका सम, 21 टर्म फर्स्ट का टर्म का क्या सम होगा। ओके,
21 का फाइंड करना था, 2 और 3 का हमें दिया गया था, 21 का फाइंड किया तो ये आया 5610. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. थैंक्स.